बहुत दिनों के बाद मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आयु से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। तीन व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। इस तरह का प्रश्न आता है और बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप चाहेंगे तो बिना कलम कॉपी यूज किए इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर औसत आयु दिया हुआ है और अनुपात में दिया हुआ है। अगर तीनों व्यक्तियों का आयु का योग मालूम हो जाता या दिया हुआ रहता तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता। तो तीनों व्यक्तियों का टोटल आयु का योग कैसे निकालेंगे? तो औसत दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, तीन व्यक्तियों का औसत आयु इतना है तो तीन से गुना कर देंगे तो तीनों व्यक्तियों का आयु का योग मालूम हो जाएगा, यानी कि 99। तीनों व्यक्तियों का आयु का योग कितना है? 99 वर्ष है। अब अनुपात में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ये योग है ना, तो अनुपात को जोड़ के लेंगे। तो अनुपात में जितने भी संख्या है उसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9। 9 हो गया ना, तो 9 में आपको कितना लेना है, यानी कि अनुपात को जोड़े तो 9 हुआ और तीनों व्यक्तियों का आयु का योग 99 है, तो यहाँ पर 99 ले लीजिए। लेकिन आपको निकालना है एक में। अब आपको समझना है कि 9 में 99 है तो एक में कितना होगा, तो 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 11 9 99, यहाँ पर आ गया 11। अब इसमें से किसका पूछा है, छोटे का आयु पूछा है या बड़े की आयु पूछा है, तो इसमें क्या बोला है, तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी, तो अनुपात में जो सबसे बड़ी संख्या है वही बड़े की आयु होगी। तो आपको क्या करना है, 11 से 4 में गुना कर देना है, क्योंकि अनुपात में 4 सबसे बड़ी संख्या है ना, तो वही बड़े की आयु होगा। तो 11 4 44, यानी कि बड़े की आयु कितना होगा, 44 वर्ष होगा। अगर छोटा का पूछा होता तो 2 में गुना करते 11 से, अगर बीच वाला का पूछा होता तो 11 से 3 में गुना कर देते, आंसर मालूम हो जाता। अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो इसका आंसर तो सी सही है ना, तो अगर दूसरा तरीका आप जानना चाहते हैं सीखने का प्रयास कीजिए, एक बार अच्छा से सीख लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है आयु और तीनों व्यक्तियों का आयु का योग तो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि औसत आयु 33 वर्ष है और तीन व्यक्ति का है तो तीन से गुना कर देंगे तो तीनों व्यक्ति का आयु का योग 99 वर्ष मालूम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे अनुपात में दिया हुआ है तो आपको साथ में एक्स लेके चलना है। मान के चले कि पहला का 2x है और दूसरा का 3x है और तीसरा का 4x है, तो अनुपात को जोड़ दिए तो आपको बराबर में ये टोटल योग को लेके चलना है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9x होगा, वही चीज़ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से समझिए। तो 11 9 99 हो गया, x बराबर कितना आया, 11 आ गया। अब जिसका पूछा है उसमें गुना कर दीजिए, तो बड़े की आयु पूछा है तो आपको क्या करना है, बड़े की आयु कौन होगा, यही होगा 4x, तो यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो 11 4 44 वर्ष, यानी कि बड़े की आयु कितना है, 44 वर्ष है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो, थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, एक बार अच्छा से सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एक बार अच्छा से स्टडी करना है। अगर आप अच्छा से स्टडी कर लेंगे एक बार तो फिर आपको दोबारा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रटेंगे तो ज़िंदगी भर रटते ही रह जाएंगे, आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात दिया हुआ है, 7:3 है। यदि इनके उम्र का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है, तो उनके उम्र के बीच में कितना अंतर है ये पूछा है। अब आपको क्या करना है, माँ और बेटे का अनुपात दिया हुआ है और योग भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है ना, जो अनुपात में दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए। जैसे 7:3 है ना, तो 7 × 3 = 10 होगा, 10, तो 10 में आपको कितना लेना है, यानी कि दोनों का योग, यानी कि माँ और बेटा का आयु का योग दिया हुआ है 60 साल, तो 60 साल आप ले लीजिए, लेकिन हमेशा आपको एक में निकालना है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, यानी कि 10 में 60 है तो एक में कितना होगा, तो एक में कितना होगा, यानी कि 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 × 60 यानी कि 6, एक में कितना आया, 6 आया। अब आपको क्या करना है, ये 6 से अगर दोनों में गुना कर देंगे, दोनों में कहने का मतलब जो अनुपात दिया हुआ है जैसे 7:3, तो अगर इससे गुना कर देंगे तो दोनों का आयु निकल जाएगा, जैसे 6 × 7 = 42, माँ का आ गया है और बेटा का कितना होगा,
6 तिया 18 बेटा का इतना हो गया। तो दोनों का आयु मालूम हो चुका है तो आप अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 42 में 18 घटा देना है, 1 दाएं 10 12 हुआ, 12 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 4 12 4, और यहाँ पर बच गया है 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि 24 वर्ष। देख लीजिए कहां पर है, तो बी आंसर सही है, कोई डाउट नहीं है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर को एक बार बनाने का प्रयास करिए, अगर सीख चुके हैं तो अपने से प्रैक्टिस करना है, बनाने का प्रयास करना है। तो इसमें क्या बोला है, स्त्री तथा लड़की की आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनके आयु का योग 81 साल है, 9 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन है, एक स्त्री है और एक लड़की है, उसका अनुपात दिया हुआ है और योग भी दिया हुआ है, तो अनुपात को जोड़ के लीजिए, यानी कि 5 4 9 अनुपात को जोड़े तो 9 हुआ और टोटल योग तो दिया हुआ है 81 साल, तो यहाँ पर 81 ले लीजिए। कहने का मतलब है कि 9 में 81 है तो 1 में कितना होगा, आपको हमेशा 1 में ही मालूम करना है। तो 9 9 81, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 में मालूम हो जाएगा, यानी कि 1 में 9, 9 में 81 है तो 1 में 9 है, यही आपको काम करना है। अगर कहीं पर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों का आयु निकालना है, किसका किसका, स्त्री का तथा लड़की का। तो अनुपात में जो दिया हुआ है ना, तो पहला वाला स्त्री का है, बाद वाला लड़की का, तो 9 4 36 स्त्री का कितना है 36 वर्ष और लड़की का कितना हो जाएगा 9 5 45। अब क्या बोला है, 9 साल के बाद अनुपात क्या होगा, तो इसमें 9 जोड़ दीजिएगा तो 9 6 15, यानी कि 45 स्त्री, 9 साल के बाद स्त्री का आयु इतना हो जाएगा और 9 साल के बाद लड़की का आयु कितना हो जाएगा, तो 9 5 14, यानी कि 54 वर्ष हो जाएगा, लेकिन अनुपात पूछा है तो फिर से आप अनुपात निकाल लीजिए। तो आप यहीं पर अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 है ना, तो 9 5 45 और 9 6 54, यानी कि 5:6 स्त्री तथा लड़की का 9 वर्ष के बाद अनुपात कितना होगा, तो 5:6 होगा। देख लीजिए कहां पर है, तो सी ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैथ आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिन लोगों का मैथ वीक है, यानी कि मैथ में आप कमजोर हैं, तो बस सीखने का जिज्ञासा रखिए, मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें तो कलम कॉपी यूज करना ही नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रश्न अगर इसी तरीके से दिया हुआ है तो इसमें आपको कलम कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, बात को समझिएगा, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु होगी। देखिए एक बार मैं लिख लेता हूँ, कौन कौन है, एक अरुण है, अरुण है और एक भूषण है और एक कौन सा है, अनिल है। यहाँ पर मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, अनिल है। तो इसमें क्या बोला है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, ऐसा ही प्रश्न दिया हुआ रहेगा और ये दोनों का आयु का योग दिया हुआ रहेगा। देखिए योग जो दिया हुआ है किसका किसका है, भूषण और अनिल की आयु का योग कितना है, भूषण और अनिल का आयु का योग 58 वर्ष है, तो इसका पूछा गया है। तो इस तरह का प्रश्न में आप सिर्फ और सिर्फ इसी का उम्र ज्ञात कर सकते हैं, अगर इतना ही कुछ दिया हुआ रहेगा तब। अगर ये दोनों का आयु निकालने के लिए कहा जाएगा तो निकाला नहीं जा सकता है, या डाटा जो दिया हुआ है पूरा नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न में इसी का निकालने के लिए कहा जाएगा, तो इसका आयु पूछा है तो इसका आयु कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का आयु का जो योग है उसको सिर्फ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 और 2 9 18, यानी कि 29 वर्ष। देख लीजिए बी ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बार समझना होगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, और आयु संबंधी कम से कम 3 4 वीडियो बनेगा, अगर 3 4 वीडियो को देख लेंगे तो फिर और अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना है, ए और बी का वर्तमान आयु का योग 110 है, 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 था। अब यहाँ पर देखिए, अगर अनुपात और योग मालूम हो तो आप आसान तरीके से दोनों का आयु निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, आयु और अनुपात। अगर
मतलब कहने का मतलब कि दोनों वर्तमान का होना चाहिए या दोनों पहले का होना चाहिए या दोनों बाद का होना चाहिए, लेकिन अनुपात जो दिया हुआ है वो कब का है, 20 वर्ष पहले का, और योग जो दिया हुआ है वो कब का है, वर्तमान का। तो अब आप चेंज किसको करेंगे, तो चेंज आप अनुपात को नहीं कर पाएंगे, आपको इसको चेंज करना है। ये योग है कब का है, वर्तमान का, और अनुपात जो है 20 वर्ष पहले का है, तो इसको आप 20 वर्ष पहले में ले जाइए। ये जो योग है दोनों व्यक्तियों का, आयु का योग, ये वर्तमान का है, 20 वर्ष पहले कम होगा ना, तो दोनों का 20-20 वर्ष घटा दीजिए, यानी कि टोटल 40 वर्ष घटा दीजिए। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना होगा, तो 8, 7, 4, 11 ना, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो 20 वर्ष पहले का ये टोटल योग मालूम हो चुका है और 20 वर्ष पहले का अनुपात भी है, तो 20 वर्ष पहले का आयु निकाल लीजिए। तो अनुपात को जोड़िए 4, 3, 7, और ये योग है 20 वर्ष पहले का, ये जो अनुपात है 20 वर्ष पहले का, और ये जो योग है 20 वर्ष पहले का, तो यहाँ पर योग रख देते हैं। तो आपको एक में निकालना है, तो 7 से इसको डिवाइड करिए, तो 10 × 7 = 70 आ गया है, एक में 10 आ गया है। अब यहाँ पर समझिए, तो 10 से अनुपात में गुना कर दीजिए, दोनों का आयु मालूम हो जाएगा लेकिन 20 वर्ष पहले का। तो किसका पूछा है, तो मैं दोनों का निकाल लेता हूँ, एक हो जाएगा 40 और एक हो जाएगा 30, लेकिन पूछा किसका है, तो एक ही वर्तमान आयु क्या होगी, तो ये 20 वर्ष पहले का, अच्छा किसका है, ए और बी का ना, अनुपात जो दिया हुआ है ए और बी, तो पहला वाला ए का और ये वाला बी का, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो ये आया है कब का, 20 वर्ष पहले का, तो 20 वर्ष पहले का 40 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना होगा, पहले कम होगा वर्तमान में ज़्यादा होगा, तो 20 जोड़ दीजिए। तो इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कि ए का वर्तमान आयु कितना है, 60 वर्ष है। तो देख लीजिए कहाँ पर है 60 वर्ष, डी ऑप्शन सही है, कोई डाउट नहीं है, प्रोसेस यही है। हो सके कहीं पर अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा हो, मैच नहीं कर रहा हो, लेकिन प्रोसेस यही है, आपको प्रोसेस को सीखना है, समझना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं दो तरीका से बताऊंगा, दोनों तरीका बहुत ही आसान है। क्या बोला है, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा क्या बोला है, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी, तो मान के चलते हैं 10 साल पहले सी का उम्र एक्स था, तो बी का कितना होगा, बोल रहा है 10 गुनी, यानी कि 10x होगा, यही तो बोला है ना बी और सी। और हमेशा याद रखिएगा, तो बी और सी है ना, अब यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, तो 4:1 है। अब यहाँ पर देखिए, बी और सी है ना, तो आपको बी अनुपात सी लेके चलना है, तो बी अनुपात सी कहने का मतलब कि 10/x, ये बी का है और ये सी का है, समझिएगा। लेकिन बटा का मतलब अनुपात, लेकिन ये कब का है, 10 साल पहले का, तो वर्तमान में जाने के लिए आपको जोड़ना होगा। एक चीज़ समझिएगा, अगर आपको पहले से वर्तमान में जाना है तो जोड़ना होगा, और वर्तमान से बाद में जाना है तो भी जोड़ना होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो ये जो अनुपात है यानी कि बट्टा है, ये कब का है, यानी कि वर्तमान में बदल गया, और वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है 4:1, तो आप बटा में लिख सकते हैं, बटा ही तो अनुपात है ना। अब इसको गुना कर दीजिए इसको, तो 10x और इधर में क्या हो जाएगा, 10 ही होगा, और इसको गुना करेंगे तो 4x और 10 × 40, इसको आप इधर लाएंगे तो घटेगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। अगर आप इसको उधर में ले जाएंगे तो घटेगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, तो 6 × 5 = 30 हो गया, यानी कि x = 5 आ गया है। अब क्या बोला था, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, निकालना किसका है, बी की वर्तमान आयु, तो ये कब का है, बी का उम्र यही है ना, 10 साल पहले का। तो यहाँ पर देखिए, अगर x का वैल्यू रख देंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, 10 साल पहले का, लेकिन वर्तमान का पूछा है, तो पहले से वर्तमान में जब आएंगे तो आपको जोड़ना होगा, तो 10 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ने पर 60 हो जाएगा, यानी कि बी का उम्र 60 वर्ष है। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। एक तरीका और भी मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है, और इस पर आधारित मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न अगला क्लास में मैं सॉल्व करके बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी सीख लेंगे तो अगला जो क्लास आप देखेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी, तो आप क्या करेंगे, जैसे बी और सी लिख लीजिए, देखिए बोल रहा है ये 10 गुनी है ना,
तो ए दस गुनी है तो इसको आप 10 लीजिए और इसको 1 लीजिए, अनुपात में बदल गया, ठीक है। मतलब कि बी और सी का आयु का अनुपात इतना है, कब का, 10 साल पहले का, और एक जो अनुपात है वो कब का है, वर्तमान का, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये 10 साल पहले का है तो बगल में 10 लिख लीजिए, ये वर्तमान का है तो 0 लिखिए, वर्तमान वाला में 0 लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना है, वर्तमान वाला यही है ना। अब ये जो प्रोसेस है ना, बहुत ही आसान प्रोसेस है, और इस तरह का प्रश्न मैक्सिमम एग्जाम में आता है, और इस तरह का प्रश्न अगला वीडियो में मैं कम से कम 10-11 प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप देख लेंगे तो सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। अब आपको क्या करना है ना, इसको चेक करना है, इसमें इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है, नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए आप सीख लीजिए। तो आप कैसे बराबर करेंगे, तो इसमें अंतर कितना है 9 का, 9 से इसमें गुना करिए, और इसमें कितने का अंतर 3 का, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए। अब फिर से आप नीचे लिखिए, तो यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पर 9 चौके 36 हो गया, और यहाँ पर 9 एकम 9। देखिए अब अंतर बराबर हो चुका होगा, देखिए इसमें 6 का अंतर है, यहाँ पर भी 6 का अंतर है, लेकिन ये वाला कब का है, 10 साल पहले का, और ये वाला कब का है, वर्तमान का। अब इसको लेने देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर अनुपात लिखा हुआ है, तो इसमें कितने का अंतर है, मतलब कि ये दोनों का अंतर समान हो गया ना, 6-6 ही तो है, तो 6 अंतर में आपको क्या लेना है, इसको जोड़ के, इसको जोड़ के, तो ये 10 है, ये 0, तो 10 ही रहेगा, तो यहाँ पर 10 आप लिख दीजिए, तो आपको हमेशा 1 में निकालना है, तो 1 अंतर में कितना होगा, यानी कि 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10/6। अब आपको क्या करना है, 1 में आपको मालूम हो गया ना, निकालना किसका है, बी की, तो नीचे वाला वर्तमान आयु है और बी का ये वाला है ना, जैसे यहाँ पर बी लिखे हैं, तो ये बी का है और ये सी का है, तो बी का निकालने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि 36 में गुना कर देना है 10/6 से, तो 10/6 से गुना कर दिए, तो 6 × 6 = 36 और 10 × 6 = 60, तो पहले भी तो आया था ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ है, मतलब कि आपको देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा हुआ नहीं है, अगर आप सीख लेंगे समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सही आंसर आ गया है ना, 60 वर्ष। तो एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार अच्छा से सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस कमेंट में लिखने में कमी मत करिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।